वेलकम है। इस क्वेश्चन में पूछा है फाइव स्ट्रक्चर ड्रॉन है, इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, ऑल फाइव आर कार्बोकैटायन, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपने को बताना है। सो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए थ्री फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस, सेकंड इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकैटायन्स विच आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज विल बी मोस्ट स्टेबल। सो देखो, यहाँ पे रेजोनेंस फिजिबल नहीं है क्योंकि प्लस यहाँ है। कौन सा प्लस रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है? अलाइलिक कार्बोकैटायन्स आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज। सो दिस इज नॉट अलाइलिक कार्बोकैटायन, ये भी अलाइलिक नहीं है, ये भी नहीं है। बट यहाँ देखो, दिस प्लस एंड दिस डबल बॉन्ड दे कैन हैव रेजोनेंस, तो रेजोनेंस यहाँ पर है। सो दिस विल बी मोर स्टेबल। बट हम लोग क्या देख रहे, दिस ऑल्सो हैज रेजोनेंस, सो दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबिलाइज। सो बोथ ऑफ देम आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज, सो बोथ ऑफ देम विल बी स्टेबल देन दिस थ्री। ये दोनों, इन तीनों से ज्यादा स्टेबल तो होंगे, बट विच इज मोर स्टेबल? तो आप क्या देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो ये देखो, दिस इज माई टर्शरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज माई सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो मैं बोल सकता हूँ सिंस दिस इज बोथ आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज बट दिस इज टर्शरी, सो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो एक क्लियर हो गया, ई इज मोर स्टेबल देन डी एंड ई एंड डी आर मोर स्टेबल देन ए बी सी, इतना क्लियर। अब बाकी दो, यहां पर कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं है, तो सिंपल है, हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज माई सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज माई टर्शरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के बाद हम लोग इसको बताएंगे, दिस विल बी मोर स्टेबल देन ए बिकॉज सेकेंडरी है एंड लास्ट विल बी सी। सो इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।